जिसको भी इसको दोबारा स्टार्ट कर लें, ये रिकॉर्डिंग भी नहीं आई थी। तो आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी मॉइस्चर, मॉइस्चर का इंसेक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, इंसेक्ट की कि उसकी ना ग्रोथ के ऊपर क्या असर है। तो उसमें से जो असर है वो कि कई सारे मैंने कहा कि एक डिफरेंट मॉइस्चर लेवल पे डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मॉइस्चर खालों में, समुद्रों में, दरियाओं में इंसेक्ट रहते हैं, तो वो जो है इंसेक्ट हैं बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड रहते हैं, जो है सैचुरेटेड यानी कि हर वक्त उनके इर्द गिर्द पानी ही है। तो एक इसके अलावा ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि हाई ह्यूमिडिटी पे, ज़्यादा मॉइस्चर लेवल पे रहते हैं हवा के अंदर में, जैसे कि आप देखो मॉइस्चर लेवल जितना ज़्यादा होता है उस पर एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए कई सारे इंसेक्ट हैं जैसे कॉलम्बोला, ये कॉलम्बोला एक इंसेक्ट ऐसे इंसेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट जो ह्यूमिड प्लेसेस पे रहते हैं, जो गीली जगह नहीं होती वैसी जगह पे रहते हैं, और वहाँ पे जो हवा की ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड का मतलब कि नियर अबाउट 100% उसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है। इसके अलावा जब आप डेजर्ट इंसेक्ट की बात कर लें तो डेजर्ट इंसेक्ट जो हैं वो कई सारे ऐसे भी हैं जो कि डेजर्ट के अंदर रहते हैं, और डेजर्ट के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, इवन के 10% से भी कम लेवल के ऊपर इंसेक्ट जो है सर्वाइव करते हैं, जैसे डेजर्ट लोकस्ट है और कई सारे इंसेक्ट हैं। अच्छा, तो किसी भी के इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट अडेप्टेशन कौन सी पाई जाती है वो डिपेंड करता है कि उसका इंसेक्ट का फूड क्या है, फूड सोर्स क्या है। फूड सोर्स के हिसाब से इंसेक्ट के अंदर अडेप्टेशन पाई जाती है। जैसे कि कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जैसे कि सकिंग इंसेक्ट हैं, जैसे एफिड हो गया, बग्स हो गए, या जो सैफ सकिंग इंसेक्ट हैं जो कि पौधों के अंदर रस चूसते हैं, ये चूंकि जो है फीड ही लिक्विड के ऊपर कर रहे हैं पर इनकी बॉडी में जा ही लिक्विड रहा है, तो इसलिए जो है कि इनके अंदर ऐसे स्पेशल मैकेनिज्म पाए जाते हैं कि ये जो है क्या करते हैं कि ये अपनी बॉडी से एक्सेसिव मॉइस्चर जो है उसको इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन या हनी ड्यू की फॉर्म में उसे बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना उसको वो निकालते हैं, यानी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और वो जो एक्सेसिव मॉइस्चर है, ज़्यादा जो मॉइस्चर लेवल है उसको एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो निकाल देते हैं। इसके अलावा इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक होता है फिल्टर चैम्बर, वो फिल्टर चैम्बर क्या करता है कि वो फिल्टर क्या करता है कि न्यूट्रिएंट को फिल्टर कर लेता है, न्यूट्रिएंट को सेपरेट कर लेता है, और बकाया जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं या जो वेस्ट फार्म में उसको बाहर निकाल दे, जिसको हम हनी ड्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये तो होता है जो कि हर वक्त फीड ही जो मॉइस्चर के ऊपर करते हैं, जबकि इसके ऑपोजिट साइड में देखें तो कुछ इंसेक्ट हैं जो कि ड्राई फूड पे फीड करते हैं, जैसे कि ग्रेन्स के ऊपर, दानों के ऊपर, तो उनके अंदर मॉइस्चर तो बहुत कम होते हैं, तो वो मॉइस्चर कम होने की वजह से ऐसे इंसेक्ट को और वो अलग से फीड भी नहीं करते, वो रहते ही ग्रेन में है ना, और वो जो ग्रेन के अंदर करीबन 8-10% तक मॉइस्चर होता है, सिर्फ उसी मॉइस्चर को बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म वो यूज करते हैं। इसलिए जो इंसेक्ट जो है ये जैसे एक इंसेक्ट है फिस्टिया, ये स्टोर्ड ग्रेन का जो है इसका जो लार्वा है 103 डिग्री पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। 103 डिग्री पे सर्वाइव क्यों कर जाते हैं कि क्यों कि इन ग्रेन के अंदर, इस आटे के अंदर जो है मॉइस्चर नहीं होता, जब मॉइस्चर नहीं होता तो इंसेक्ट जो है वो हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इंसेक्ट जो है जो ग्रेन के अंदर कैसे लेते हैं, मेटाबोलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो है वो जो ग्रेन के अंदर या आटे के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो मॉइस्चर लेवल बहुत कम होते हैं, मैंने कहा 10% या 10% से भी कम होते हैं। इसलिए जो है इसके अलावा जो है जो पानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनको इंसेक्ट यूज करते हैं या जो उनकी करते हैं, उनमें से जो सबसे जो शक्ल है इसकी वेपर फॉर्म, गैस की शक्ल में जो पानी पाया जाता है ना वो इंसेक्ट जो है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। तो वो हर इंसेक्ट को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खास ह्यूमिडिटी का लेवल चाहिए। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है वो आगे हम चल के बात करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी लो है, अगर ह्यूमिडिटी के जो हवा के अंदर मॉइस्चर की फार्म में, वेपर की फार्म में जो पानी पाया जाता है वो बहुत कम है, तो क्या होता है कि इंसेक्ट डेजिकेट होके मर जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी से भी पानी निकल जाता है और वो ड्राई होके मर जाते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए,
फॉर एग्जांपल जो है अगर 10% से भी कम है मॉइस्चर, तो फिर क्या करते हैं कि इंसेक्ट बहुत ही कम, कुछ दो चार इंसेक्ट सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट है वो 10% मॉइस्चर से कम सर्वाइव कर जाते हैं। मगर अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि 90+ हो जाए, 90% से प्लस हो जाए, तो फिर भी इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि कई सारी जो है जो पैथोजन है, हवा के अंदर मॉइस्चर होने की वजह से कई सारे जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फिर आके इंसेक्ट के अंदर डिजीज लाना शुरू कर देते हैं। तो इंसेक्ट की डिजीजेज बढ़ जाती हैं ड्यू टू द हाई मॉइस्चर लेवल। तो यानी कि मसला है कि एक तरफ मॉइस्चर कम हो तब भी इंसेक्ट एजुकेशन से मरते हैं, अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो तो फिर भी इंसेक्ट एजुकेशन जो है बीमारियों की वजह से फिर मरते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है जो किसी भी पानी जो है, इसके अलावा मैंने ये बताया कि किसी भी इंसेक्ट का जो सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसका लाजमी हिस्सा है, यानी कि हर लाइफ के लिए पानी जरूरी है। अब पानी जो है किसी इंसेक्ट में, ये कई सारे ऐसे इंसेक्ट भी हैं जैसे कि ये स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट है, यानी कि ये ऐसे ग्रेन्स में पाए जाते हैं जिनमें मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, यानी कि 50% से भी कम होता है। तो ये कौन कौन से इंसेक्ट हैं, जैसे ट्राइबोलियम, रेड फ्लोर बीटल, साइटोफिलस, ट्रोगोडर्मा, कैलोसोब्रोकस चाइनेंसिस, ये आपने सारे पढ़े हैं ये इंसेक्ट ना स्टोर्ड ग्रेन के अंदर। तो ये जो है स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट हैं, तो इनके अब जो बॉडी का टोटल वेट का 50% वाटर पर मुश्तमिल होता है। कितना होता है, 50% जो है इनके टोटल बॉडी वेट का 50% वाटर होता है। आगे जो दूसरे इंसेक्ट हैं इनके अलावा, वो मोस्टली इंसेक्ट की बात करें तो मोस्टली इंसेक्ट की बॉडी के अंदर कितना पानी होता है, 80-90% तक पानी होता है। और लार्वो में जो लार्वे हैं, कई सारे मक्खियों के, फ्लाइज के जो लार्वे हैं, डिप्टेरा के लार्वे हैं, उनके अंदर जो मॉइस्चर लेवल उनकी बॉडी का टोटल बॉडी के वेट का 98% तक भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये फाइटोफेगस इंसेक्ट ज्यादातर सर्वाइव ही किस पे करते हैं, जो उसके फूड के अंदर वाटर होते हैं। जो जो है जैसे देखें ये जितने सकिंग इंसेक्ट है, ये कोई अलग से जाके पानी तो नहीं पीते, ये तो जस्ट क्या करते हैं कि वो सक करते हैं जूस, सेल सैप सक करते हैं। तो सेल सैप के में क्या करते हैं कि वो पानी को निकाल के एक्स्ट्रा जो फिल्टर चैम्बर के थ्रू जो है निकाल के बाहर कर देते हैं हनी ड्यू की फार्म में, और जो उसके अंदर फूड होता है, फूड अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डिवेलपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो है ये इंसेक्ट के अंदर कई सारी अडेप्टेशन पाई जाती हैं कि जिन इंसेक्ट के अंदर जो है कि अपने बॉडी, अपने मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, अपने बॉडी के अंदर पानी की अमाउंट को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, इंसेक्ट के अंदर कई सारी अडेप्टेशन पाई जाती हैं। वो अडेप्टेशन तीन किस्म की हैं, एक है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और इसके अलावा बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है, और तीसरी है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजी में कौन सी है, बॉडी पिगमेंटेशन, या हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि इंसेक्ट के अंदर कई सारी अडेप्टेशन पाई जाती है टू कंजर्व द मॉइस्चर लेवल। उनमें से सबसे पहली जो अडेप्टेशन पाई जाती है इंसेक्ट के अंदर वो है जी बॉडी पिगमेंटेशन। बॉडी पिगमेंटेशन का मतलब यह है कि जो ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि ठंडे इलाकों में पाई जाती हैं, कोल्ड इलाकों में पाए जाते हैं, या पहाड़ों के ऊपर आपको पता है कि टेम्परेचर जितना ऊपर जाए टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसे इलाकों में जो इंसेक्ट के बॉडी कलर होता है, बॉडी का कलर होता है, क्यों वो क्या होता है कि उनके बॉडी के कलर में क्या होता है कि डार्क होता है। डार्क किस वजह से होता है कि उसके अंदर जो है डार्क पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और पिगमेंट की वजह से आपको पता है कि डार्क कलर लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि जो उसकी बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव मॉइस्चर है उसको वो ड्राई आउट कर ले, यानी कि अपनी बॉडी से एक्सेसिव मॉइस्चर को वो निकाल सके, इसलिए करते हैं। जबकि ऐसे इंसेक्ट जो कि डेजर्ट इलाकों में पाए जाते हैं, या ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, जैसे डेजर्ट के अंदर जो है हीट बहुत ज्यादा होता है, दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये इससे बचने के लिए कि जो है मॉइस्चर लेवल जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कम ना हो जाए, ऐसे इंसेक्ट का कलर क्या होता है, लाइटर होता है। लाइटर का मतलब ये है कि वो उनका कलर लाइट होगा, डार्क नहीं होगा। उस वजह से क्या होगा कि इंसेक्ट है जो इंसेक्ट जो लाइट होगी, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो मॉइस्चर लेवल मौजूद है वो प्रिजर्व होता है, वो वेपोरेट बन के उड़ता नहीं है, यानी कि सेव होता है। तो ये एक अडेप्टेशन है मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें बॉडी पिगमेंटेशन, यानी कि जो ठंडे इलाकों में इंसेक्ट पाए जाते हैं वो डार्क पिगमेंट अपनी स्किन के अंदर
जो है पैदा करते हैं। उसकी रीजन क्या हो कि वो मॉइस्चर टेम्परेचर अब्जॉर्ब करें, वहाँ पे हीट कम है और वो जो है जितना ज्यादा से ज्यादा हीट जमा कर सकेंगे वो मॉइस्चर जो एक्सेसिव मॉइस्चर उनकी बॉडी से निकल सकेगा। मगर इसके उल्ट देखें तो मैंने कहा डेजर्ट इलाकों के अंदर, डेजर्ट एरियाज के अंदर क्या होते हैं कि उनकी बॉडी का कलर जो है लाइट होता है, जैसे डेजर्ट इंसेक्ट है, क्यों कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करें ताकि जो उसकी बॉडी से मॉइस्चर एवेपोरेट ना हो जाए। इसके बाद दूसरा जो है एडेप्टेशन है वो है इंटेगोमेंट। इंटेगोमेंट का मतलब क्या है कि ऐसे इंसेक्ट जो कि जो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कई सारे जो कोलियोप्टेरन है, बीटल जो है या वीबल जो है ये पाए जाते हैं, इनकी जो प्रोनोटल शील्ड होती है, इनकी बॉडी के ऊपर जो विंग्स होते हैं वो बड़े हार्ड किस्म के होते हैं, जिसको आप लाइट्रा कहते हैं। वो लाइट्रा क्यों होते हैं और वो उनके आपस में जो बाजू का इंटेगोमेंट जो है वो फ्यूज हुए होते हैं, यानी कि एक बॉडी के जो पार्ट है हेड थोरैक्स एब्डोमेन के जो इंटेगोमेंट्स हैं वो मोस्टली फ्यूज हुए थे। फ्यूज क्यों हुए होते हैं कि वो ऊपर हार्ड किस्म की काइटन इंटेगोमेंट्स है, तो काइटन इंटेगोमेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो इंसेक्ट जो मॉइस्चर लेवल उनकी बॉडी के अंदर है वो एवेपोरेट नहीं हो सकते। इसके अलावा कुछ इंसेक्ट के अंदर वैक्सी कोटिंग भी होती है, यानी कि एक तो इंटेगोमेंट है, इंटेगोमेंट के ऊपर मजीद एक वैक्स की लेयर चढ़ी होती है, वैक्स लेयर होती है। तो वैक्स का काम भी क्या होता है कि मॉइस्चर को जो है रोकना होता है, कि मॉइस्चर की जो एवेपोरेशन है उसको रोकने, ठीक है। जिस तरह आप जो है जब फ्रूट कोटिंग करते हैं तो फ्रूट कोटिंग में भी वैक्स ऊपर चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है कि फ्रूट की जो है मेटाबोलिज्म रेट जो है वो स्लो हो जाए। तो इसी तरीके से इंसेक्ट की जो है मॉइस्चर को जो है रिटेन करने के लिए, अपने मॉइस्चर की एवेपोरेशन से बचने के लिए इंसेक्ट क्या करते हैं, ऐसे इंसेक्ट का जो है इंटेगोमेंट जो है वो हार्ड होता है, स्क्लेरोटाइज फ्यूज हुए होते हैं, और ये ज्यादातर जो है ये केस पाया जाता है कोलियोप्टेरन बीटल्स के अंदर। पोलिस्टिसी पिलोसिटी जो है, पिलोसिटी जो है हेरीनेस के जो है ये इंसेक्ट जो है जो कि डेजर्ट इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, ये इनकी बॉडी के ऊपर जो नंबर ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, और हेयर क्या करते हैं जो उसको एक्सेसिव एवेपोरेशन से रोकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट सनलाइट उसकी बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर पड़ेगी तो डेफिनेटली जो है वो उसके बॉडी से मॉइस्चर ज्यादा जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली इंसेक्ट को डेजिकेशन हो जाएगी। उससे बचने के लिए जो डेजर्ट के अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं उनके अंदर जो है कि बंचेज ऑफ हेयर की ग्रोथ, इंसेक्ट जो हेयर्स की ग्रोथ उसकी बॉडी के ऊपर होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा विंगलेसनेस, कैसे इंसेक्ट जैसे ग्रास ऑपर, लोकस्ट, क्रिकेट्स जो कि खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं, ड्राई इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, या सेमी डेजर्ट इलाकों के अंदर पाए जाते हैं, ये अक्सर जो है इनके विंग डेवलपमेंट जो है वो बहुत वीक होती है, ठीक है। विंग डेवलपमेंट वीक होती है और विंग बहुत छोटे होते हैं, या कह लें कि इमेच्योर स्टेज के अंदर, जैसे कि ये ग्रास ऑपर हैं, क्रिकेट्स हैं, इमेच्योर स्टेज के अंदर जो है इनके ऊपर जो है विंग्स होते ही नहीं है, और बात का क्रिकेट में क्या होता है जो क्रिकेट्स हैं इनके अंदर अडल्ट भी बन जाए तो उसके अंदर भी विंग बहुत मिन्यूट से होते हैं, ठीक है। ये ग्रास ऑपर कई सारी स्पीशीज ऐसी जिसमें तो बड़े अच्छे विंग डेवलपमेंट होती है, मगर कई सारी ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनके अंदर विंग सिरे से होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत मिन्यूट से होते हैं, छोटे होते हैं। उसका फायदा ये होता है इंसेक्ट को कि जब इंसेक्ट के जो विंग्स नहीं होते, ठीक है, तो वो जो है उससे जो गर्म हवाएं चलती, गर्म हवा चलने की वजह से इंसेक्ट को रेजिस्टेंस नहीं फील करनी पड़ती उसकी बॉडी से, क्या कह लें कि जो मॉइस्चर जो है एवेपोरेट नहीं होता। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जैसे टेनीब्रेनियोड और कैराबिड बीटल, इसके अंदर विंग जो है आपस में फ्यूज हुए होते हैं, फ्यूज हो के मतलब एक ही बड़ा सारा ऊपर जो है आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं, फ्यूज हुए होते हैं। जुड़ने का मकसद क्या होता है कि जो मॉइस्चर लेवल को स्ट्रॉन्ग विंड से वो इफेक्ट ना हो, और वो स्ट्रॉन्ग विंड जो डेजर्ट के अंदर गर्म हवाएं चलती हैं उसकी वजह से जो है उनकी बॉडी से मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट ना कर दे। दूसरे फॉर्म ऑफ बॉडी, और जो गर्म इलाकों के अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं वो एक उनकी जो शेप होती है, जैसे ये बीटल्स वगैरह जितनी भी बीटल्स पाई जाती हैं डेजर्ट इलाकों के अंदर, तो इनकी जो एक जो बॉडी होता है वो एक ओवल शक्ल में होता है, इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो वो ओवल फॉर्म में होगा और कंप्रेस्ड होगा, कंप्रेस्ड मीन ऐसे दबा सा हुआ होगा। दबे होने का इसलिए होता है कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ
जो जो इंसेक्ट जो सनलाइट से एक्सपोजर हो उसकी बॉडी का जो एक्सपोजर हो वो कम से कम हो। जितना डेजर्ट इलाकों के अंदर एक्सपोजर ज्यादा होगा उतना मॉइस्चर वेपोरेशन ज्यादा होगी उसकी बॉडी से, जितना जो उसके बॉडी का एक्सपोजर कम से कम होगा तो डेफिनेटली वहां से वेपोरेशन उतनी ही कम होगी। तो ये जो है दूसरा ये होता है कि जब इनकी स्किन ऊपर से जो विंग है वो हार्ड होते हैं और आपस में फ्यूज हुए होते हैं तो ये जब दोपहर के वक्त गर्मी होती है बहुत ज्यादा तो उस वक्त ये पत्थरों के नीचे जो दराड़ें पड़ी होती हैं डेजर्ट के अंदर या क्रेविसेस होते हैं उनके अंदर ये छुप जाती हैं और एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन मीन जो समर स्लीप होती है दोपहर के वक्त जब बहुत ज्यादा हीट हो उस वक्त इंसेक्ट क्या करते हैं कि सायादार जगहों में पत्थरों के नीचे दराड़ों में चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं कि वो जो सख्त किस्म की हीट है एक्सेसिव टेम्परेचर है उसको अवॉइड कर सके। ये अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के वक्त एक्टिव हो जाते हैं और कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो रात के वक्त भी जैसे ये बिच्छू देखें ये रात के वक्त एक्टिव होते हैं डेजर्ट के अंदर डेजर्ट इलाकों के अंदर क्योंकि दिन वक्त के वक्त जो है ये जो अवॉइड करते हैं वो सनलाइट को ताकि उनकी बॉडी से जो मॉइस्चर लेवल है बहुत ज्यादा वेपोरेट ना हो जाए। इसके अलावा जो है इनके अंदर और भी कई सारे इंसेक्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं कि जैसे कुछ जो डेजर्ट इंसेक्ट के अंदर जो टांगे होती हैं वो लॉन्ग एंड सिलेंडर होती हैं, जैसे आप ग्रास ऑफर ले लें जितने ये लोकस ले लें तो इनके अंदर जो है लंबी लंबी टांगे होती हैं और ये जंपिंग लेग्स होती है जंपिंग लेग्स और उसका मतलब ये होता है कि इनका बॉडी जो है डायरेक्ट इन कंटेक्ट विद सॉयल या जमीन के साथ नहीं आता, यानी कि सैंड के साथ इनके बॉडी का डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता बल्कि वो टांगे सैंड के ऊपर रखी होती हैं। उससे क्या होता है कि टांगों को तो हीट मिलती है मगर पूरे बॉडी को हीट नहीं मिलती, तो हीट ना मिलने की वजह से उसके अंदर वेपोरेशन से वो बच जाता है, एक्सेसिव वेपोरेशन ना हो। अगर एक्सेसिव वेपोरेशन हो गई तो डेफिनेटली वो जो है वो मर जाएंगे। या कई सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे ये बीटल वगैरह जो हैं ये डेजर्ट के अंदर जो हैं सैंड के अंदर बरो बना के बिलेंसी बना के सैंड के अंदर छुप जाते हैं। वो भी छुपते क्यों हैं, वो भी जो है इसको वेपोरेशन को जो है बचने के लिए वेपोरेशन से बचने के लिए जो है ताकि जो है डेजिगेशन ना हो सके उनकी बॉडी के अंदर। दूसरी जो तरह की अडेप्टेशन है ये पांच छह किस्म की एक दो तीन चार पाँच छह किस्म की अडेप्टेशन है जो कि मार्फोलॉजिकल है। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो अडेप्टेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है उसका मतलब उसके लाइफ साइकिल से होते हैं कि लाइफ साइकिल जो है कई सारे इंसेक्ट ऐसे हैं कि जो समर के अंदर जब जो है क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट होती है या मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा कम होता है जिन महीनों में वो क्या होते हैं कि ये ऐसे इंसेक्ट जो है डायापाज में या एस्टिवेशन में चले जाते हैं। डायापाज होता है कि जब आप अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से जो है इंसेक्ट जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में चले जाएं, और एस्टिवेशन होता है जब दोपहर के वक्त गर्मी जब 10-11 बजे से लेके और शाम 4-5 बजे तक जब बहुत ज्यादा हीट होती है सनलाइट बहुत ज्यादा तेज होती है उस वक्त क्या करते हैं कि इंसेक्ट जो हैं वो किसी सायादार जगह में चले जाते हैं ठंडी जगह पे चले जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं ताकि वो जो है एक्सेसिव जो है हीट से बच सके। इसके अलावा जो है हेरी कैटरपिलर, हेरी कैटरपिलर का पूपा क्या करता है कि ये ऑटम और विंटर के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होते हैं और कम होना शुरू हो जाता है तो ये और उसी सीजन में आपको पता है जिस तरह आजकल सर्दियों में मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है तो जब मॉइस्चर लेवल कम होता है तो ये इंसेक्ट जो है ये भी डायापाज कंडीशन में चले जाते हैं। जब अगेन जून जुलाई में बारिशें शुरू होती हैं जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं ये इंसेक्ट भी एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वो जो उसके डायापाज को ब्रेकआउट करने के लिए डायापाज से दोबारा एक्टिव होने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए, तो ये एक अडेप्टेशन है। इसके अलावा ग्राउंड रेड हेरी कैटरपिलर ये भी क्या करता है कि ये भी जो है एस्टिवेशन में चला जाता है ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड, जो है ड्राई पीरियड मीन स्लीपिंग कंडीशन में चला जाता है जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये जो है ड्राई कंडीशन के अंदर दोपहर के वक्त जो है ये डायापाज में या कह लेंगे एस्टिवेशन में चला जाता है। इस तरह के कई सारे ग्रास ऑपर है, ग्रास ऑपर भी क्या करते हैं कि ये समर के अंदर गर्मियों के अंदर जो है डायापाज में चले जाते हैं जब टेम्परेचर फेवरेबल होता है दोबारा से ये एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि मॉइस्चर लेवल दोबारा से हवा के अंदर ज्यादा होता है तो ये एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, फिजियोलॉजिकल कह देते हैं इसको कहते हैं क्रिप्टो नेफ्रेटिक कंडीशन, ये अपनी बॉडी के अंदर जो है क्रिप्टो नेफ्रेटिक कंडीशन जो है वो डिवेल्प करते हैं। इसका फायदा जो है इसका फायदा ये होता है
कि ये क्या करते हैं कि जब जो है इनकी बॉडी से वो एक तो जो है इसका जो बच्चे जो है इसका इसका फायदा ये होता है इनकी बॉडी के अंदर के जो ये जो एक तो मॉइस्चर लेवल जो है इसके इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेते हैं ठीक है। इसके बाद जो है आगे जब इसके रेक्टम के अंदर आता है वो डाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड इसके रेक्टम के अंदर आता है फिर से इसका रेक्टम भी क्या करता है एक्सेसिव जो उसके अंदर मॉइस्चर फूड के अंदर मौजूद होते हैं ना इवन के अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर भी तो ये उससे भी जो है मॉइस्चर को रीअब्जॉर्व कर लेती है यानी कि इसकी बॉडी की अडेप्टेशन इस तरह से है कि ये जो है जितना भी मॉइस्चर इसके फूड के अंदर आ गया है अब इसको फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उस मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देती यानी कि वो जो पानी उसकी बॉडी के अंदर आया है वो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा जो बॉडी के अंदर फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा फिर कुछ बच गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा फिर जो कुछ बहुत ही मिन्यूट अमाउंट में वाटर रह जाता है जब वो रेक्टम में चला जाता है अब रेक्टम के अंदर क्या होता है कि सेल अगेन से वो जो कोई बहुत ही लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर मॉइस्चर है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है रेक्टम ठीक है और उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो उसका वेस्ट मटेरियल या फीसेज निकलते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता अगर इसके ऑपोजिट देखें ये ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर मॉइस्चर जो पीते ही पानी है पीते ही लिक्विड है जैसे एफर्ड हो गया वाइट फ्लाई हो गई जेसर्ड हो गया थ्रिप्स हो गए जो सकिंग इंसेक्ट है तो इनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है उनके लिए स्पेशल उन्होंने एक फिल्टर चैम्बर होता है उनकी बॉडी के अंदर वो फिल्टर चैम्बर क्या करता है कि जो फूड से वाटर को अलग करते हैं और वाटर को अलग करने के बाद वो उसको इन द फॉर्म ऑफ हनी ड्यू उसके ऊपर स्पेशल एक स्ट्रक्चर होते हैं एफर्ड के ऊपर जिसको हम कॉर्निकल कहते हैं एट अबडोमिनल सेगमेंट के ऊपर एक अपेंडिजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्निकल्स वो कॉर्निकल के थ्रू क्या होता है कि वो जो जितना पानी एक्सेसिव पानी होता है वो निकल जाता है उसकी बॉडी से तो ये अडेप्टेशन है कुछ इसके अंदर इसके अलावा जो है इंसेक्ट है ह्यूमिडिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है यानी कि इस ह्यूमिडिटी का इंसेक्ट की डिवेलपमेंट के ऊपर फेकंडिटी के ऊपर ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट है तो जितने भी इंसेक्ट है मैंने कहा कि ये एक लिमिटेड रेंज के अंदर जो ह्यूमिडिटी की मॉइस्चर लेंथ के एक लिमिटेड रेंज के अंदर रहती है अगर इस रेंज से इस नॉर्मल रेंज से मॉइस्चर कम हो जाए तो क्या होता है कि इंसेक्ट है डेजिकेशन के प्रोसेस के थ्रू मरना शुरू हो जाते हैं इंसेक्ट की बॉडी के इवन के नॉर्मल प्रोसेस को चलाने के लिए जो नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस है या सेल का फंक्शनिंग है ऑर्गेनेली की फंक्शनिंग है उनको चलाने के लिए भी मॉइस्चर कम हो जाता है तो जब ये कम होता है तो इंसेक्ट जो है डेजिकेशन से मर जाते हैं और अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाए नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए तो फिर आपको पता है कि जब हवा के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो तो जितने वायरस बैक्टीरिया फंजाई या आपको पता है कि ह्यूमिड कंडीशन के अंदर ये वाले पैथोजन ग्रो करते हैं तो जब ये वाले पैथोजन दिन बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है तो इंसेक्ट में ये बीमारियां फैलाना शुरू कर देती है तो इंसेक्ट के अंदर डिजीज आउटब्रेक होना शुरू हो जाती है इंसेक्ट फिर डिजीज से मरना शुरू करते हैं यानी कि मॉइस्चर कम है तब भी इंसेक्ट के लिए नुकसानदेह अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो फिर भी नुकसानदेह इसलिए जो है इंसेक्ट है अगर आप इंसेक्ट को छोड़ देंगे एक तरफ तो फुली सैचुरेटेड एयर है और एक तरफ बिल्कुल ड्राई एयर है कि आप इंसेक्ट को छोड़ दें कि वो जहां आप छोड़ दें कि आप अपनी मर्जी से चला जाए कहां चला जाए तो डेफिनेटली एक ऐसी रेंज के अंदर जाएगा जहां पे एक फेवरेबल या ह्यूमिडिटी प्रेफरेंडम पाया जाएगा यानी कि वो रेंज कितनी है वो रेंज जहाँ पे नीचे डिस्कस की हुई है कि वो कितनी एक रेंज है वो राउंड अबाउट लेके 60-70% से लेके 80-90% तक ये रेंज होती है 60-70% से लेके 90% तक अगर 60-70% से जितना कम है वो इंसेक्ट के लिए उतना ही डेंजरस ह्यूमिडिटी होती है और अगर 90 प्लस भी हो जाए तो फिर ये है कि यहाँ पे जब ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है जब देखें ना मानसून के सीज़न के अंदर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उन दिनों जो वायरस डिजीजेज बैक्टीरिया इनसे होने वाले डिजीजेज भी ज़्यादा होती हैं आप अपनी क्रॉप के अंदर देखें ना तो जो डिजीजेज होती हैं वो क्रॉप के ऊपर भी डिजीजेज ज़्यादा होती है और इंसेक्ट के ऊपर भी डिजीजेज ज़्यादा होती हैं तो इसलिए जो कह लें कि राउंड अबाउट 70% जो ह्यूमिडिटी है ये इंसेक्ट के लिए एक बेस्ट है।
ठीक है। और कई सारे इंसेक्ट डिपेंडेंट ही ह्यूमिडिटी पे होते हैं, जैसे हम ये लोकस्टा माइग्रेटोरिया एंड सिस्टोसीरा ग्रीगेरिया, ये लोकस्ट की दो स्पीशीज हैं। तो ये उस वक्त इसकी फीमेल अंडे देती नहीं है जब तक कि सॉयल के अंदर सैंड के अंदर मॉइस्चर ना हो, ठीक है। इवन के ये अंडे दे भी दे डेजर्ट के अंदर, ये ना लोकस जो है डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, तो ये सबसे पहले तो अंडे देती ही नहीं है इसकी फीमेल। अगर फीमेल इसके अंडे दे भी दे तो मॉइस्चर नहीं है ना सैंड के अंदर, तो इसके अंडों से हैचिंग होती नहीं है, ठीक है। इस तरह जो है कई सारे फीमेल के जो नंबर ऑफ एग ले हैं वो 70% या 70 से ऊपर जाते जाए अनटेल के 90 तक, तो इसके जो एग लेइंग बढ़ती जाती है। अगर 90 से ज्यादा ऊपर ज्यादा होगी तो फिर डेफिनेटली जो मैंने कहा कि ये कई सारे पैथोजन जो है बैक्टीरिया फंजाई ये तेजी से ग्रो करना शुरू कर देंगे और ये जो है डिजीज काज करना शुरू कर देंगे, चाहे वो इंसेक्ट हो या इंसेक्ट के अंडे हो, कोई भी चीज हो सकती है। इसके अलावा राइस वीवल ये जो है इसने लिखा है कि ये भी 70% पे, तो इस तरह मोस्टली इंसेक्ट जो है कह लें कि 60 से 70-80% तक ये एक रेंज है इसके अंदर, जिसमें ऑन एवरेज कह लें तो राउंड अबाउट 70% जो है जो ह्यूमिडिटी है इज द फेवरेट वन है इंसेक्ट के लिए। तो अगर इससे नीचे है तो तब भी इंसेक्ट के लिए डेंजरस है, अगर इससे ऊपर है तो फिर भी डेंजरस है। तो ये क्या होता है कि जितनी एक इस नॉर्मल रेंज के अंदर मैंने कहा तकरीबन 60 से लेके 80-90% तक, इस रेंज के अंदर जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी इंसेक्ट की ग्रोथ भी इंसेक्ट की डिवेलपमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो डेफिनेटली इंसेक्ट के लिए वो प्रॉब्लम होगा। तब तीन, अगर ह्यूमिडिटी के हिसाब से तीन तरह के इंसेक्ट हैं, एक इंसेक्ट वो है कि जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ती है उनकी उनकी जो है कह लें कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट भी तेज होती जाती है। जैसे आप लोकस्ट ले लें, ठीक है, ये लोकस्टा और सिस्टोसीरा ये दो जीनस हैं, इसके अंदर इंसेक्ट ऐसे हैं कि ये डेजर्ट इंसेक्ट है, तो डेजर्ट में जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने के साथ क्या होता है कि ये जो है इसकी डेवलपमेंट भी तेज होती जाती है। इसके मुकाबले में एक दूसरा ग्रुप है, तीन दूसरी कैटेगरी ये है ह्यूमिडिटी के हिसाब से, ये मैंने कहा ना ये तीन कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इन इंसेक्ट की डेवलपमेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, कह लें कि इसके साथ जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो उसका मसला आ जाते हैं उनको, कि उनकी डेवलपमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे मस्का जो हाउस फ्लाई वाला जो जीनस है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा इनकी रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जबकि इसके ऑपोजिट में मैंने कहा था एक दूसरी कैटेगरी है जिसमें ह्यूमिडिटी बढ़ने से उनकी ग्रोथ रिटार्ड होती है, ग्रोथ कम होती है। और सबसे एक ऐसे तीसरी कैटेगरी के ऐसे इंसेक्ट हैं जिसमें चाहे ह्यूमिडिटी बढ़े या कम हो उसकी ग्रोथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ह्यूमिडिटी के इंडिपेंडेंट है। जैसे ये ब्रूकस, ये जो ग्रेन इंसेक्ट्स हैं, ये जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है, इससे कोई असर नहीं पड़ता चाहे ह्यूमिडिटी कम हो या ज्यादा हो। तो अब तीन कैटेगरी आ गई, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। एक कैटेगरी ऐसी है कि जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से ऐसे जो इंसेक्ट की डेवलपमेंट है वो कम होती जाती है, कि जैसे डेजर्ट के अंदर, कि डेजर्ट के अंदर अब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, बारिशें ज्यादा होना शुरू हो जाए, तो वहां पे जो इंसेक्ट हैं जो कि ड्राई कंडीशन पे रहने के लिए अडेप्टेड है, तो वहां पे अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाए डेजर्ट के अंदर जैसे लॉकस वगैरह के लिए, तो ये इंसेक्ट हैं ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से ये मरना शुरू हो जाते हैं या इनकी ग्रोथ जो है कम होना शुरू हो जाती है। जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी ही ग्रोथ कम होगी, जैसे ये मैंने कहा लॉकस्ट और सिस्टोसीरा की एग्जाम्पल है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो इनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, जैसे ये मक्खी है हाउस फ्लाइज है, ये देखे मस्का जीनस है, तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है गर्मियों के अंदर, तो ये देखें मक्खियों की पॉपुलेशन जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे मई जून के अंदर मैक्सिमम जो है गर्मियों के अंदर आपको मक्खियां नजर ही गर्मियों में आती हैं, आजकल सर्दी है, आजकल ह्यूमिडिटी कम है तो आपको मक्खियां नजर ही नहीं आएंगी, अगर आएगी भी तो कोई एक आधी नजर आएगी। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है कि उसका मैंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ता चाहे ह्यूमिडिटी बढ़े कम हो, उसका जो है इंसेक्ट की ग्रोथ के ऊपर, जैसे ये डेवलपमेंटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर इस ब्रूकस की एग्स जो इंसेक्ट है इसके एग्स की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये तीन कैटेगरी हैं और ये रेंज में बता दी कि राउंड अबाउट 70 की रेंज है, तो बेस्ट और प्रेफर्ड रेंज है। इसके अलावा राइनोसीरस जो बीटल है ये क्या करती है कि जब हवा मॉइस्चर जो है जो
ये क्या करते हैं कि डार्क काइटन अपनी यानी कि अपनी स्किन के अंदर अपने एलाइट्रा के अंदर में अपनी जो काइटन होती है उसको डार्क कर लेती है जब हवा मॉइस्ट हो। मॉइस्ट होने का क्या मतलब है कि जब हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इसकी स्किन डार्क हो जाएगी। डार्क होने का क्या क्यों होती है, डार्क इसलिए होती है कि उसके बॉडी के अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा। जब मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसके लिए हीट ज्यादा चाहिए उसको वेपोरेट करने के लिए, और अगर वो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी कम है तो फिर उसकी स्किन का कलर जो है वो लाइट होता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा हवा कम है, इसका पानी कम होने की वजह से रीजन ये है कि अगर उसका रंग ब्लैक हुआ, उसका कलर डार्क हुआ और हवा पहले से ही ड्राई है तो क्या होगा, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसकी बॉडी के अंदर है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा और इंसेक्ट डेजिकेशन हो जाएगी। और इसके बाद है रेनफॉल। रेनफॉल भी मॉइस्चर में आते हैं, ह्यूमिडिटी का और रेनफॉल का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कि जितनी रेनफॉल ज्यादा होती है उतनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। जैसे आप गर्मियों में देखें ना बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें होती हैं, तो जब बारिशें ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी जो है इंक्रीज कर जाती है, इवन के 90+ भी चली जाती है। तो दूसरा ये है कि रेनफॉल का असर डायरेक्टली इफेक्ट है इंसेक्ट की ग्रोथ के ऊपर। जैसे आप देखें ना डेजर्ट के अंदर, तो डेजर्ट के अंदर रेनफॉल बहुत कम होती है तो वहां पे ऐसे इंसेक्ट पाए जाते हैं जो ड्राइएस्ट कंडीशन को सरवाइव कर सकते हैं। मगर जो सेमी एरिड एरिया है जैसे हमारा पंजाब का एरिया, तो पंजाब में ये देखें जो है नॉर्मल रेंज के अंदर जो है बारिशें होती है, जैसे 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही बारिशें होती हैं। तो जब ज्यादा बारिशें होती हैं तो इसके अंदर ऐसे इंसेक्ट सर्वाइव कर सकते हैं जो कि आप कह लें कि जो इस रेन को ज्यादा ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे ये एफिड, जेसेट, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, ये सारी इसी रेंज के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। मगर कई सारे इंसेक्ट हैं जैसे इसने कटवर्म की एग्जाम्पल दिया, ये जमीन के अंदर रहती हैं, तो ये जब रेनफॉल ज्यादा हो जाए तो ये इंसेक्ट हैं सॉइल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते और अल्टीमेटली है ये क्रॉप के ऊपर भी कम अटैक कर सकेंगे। अगर रेनफॉल कम है 10 से 12 सेंटीमीटर से तो ये इंसेक्ट जो है जमीन के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहेंगे, और ये कह लें कि इनकी ग्रोथ ज्यादा होगी जमीन के अंदर तो डेफिनेटली ये आगे क्रॉप के ऊपर भी इफेक्ट ज्यादा करेंगे। मगर इसके मुकाबले में डेजर्ट लोकस्ट जो है मैंने कहा कि अंडे देता ही नहीं है जब तक के सैंड के अंदर जो है सफिशेंट मॉइस्चर ना हो। जब सफिशेंट मॉइस्चर होगा तो इसकी जो फीमेल है अंडे देती है, और इवन के अंडे दे भी दे, ठीक है, अंडे दे भी दे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी उससे हैचिंग नहीं होगी जब तक के अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल होगा। और मॉइस्चर लेवल डेजर्ट के अंदर कैसे होते हैं, रेनफॉल की वजह से। अगर रेन होगी तो मॉइस्चर होगा सैंड के अंदर, अगर रेन नहीं होगी तो मॉइस्चर नहीं होगा, और हवा के अंदर भी ह्यूमिडिटी कम होगी अगर रेन नहीं होगी। तो ये आज का देखें सर्दियों में बारिशें नहीं है, अब 2-3 महीने से बारिश नहीं हुई, तो आप देखें सर्दियों में कुछ जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो भी ठंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो ड्यू बन गया है, वो शबनम के कतरों में चेंज हो गया। तो अब हवा के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर कम है, जब मॉइस्चर कम होता है तो डेफिनेटली जो है फिर आपके जो है सर्दियों के अंदर आप देखते हैं कि जी ह्यूमिडिटी कम होती है। तो गर्मियों में चूंकि हमारे इधर पंजाब में ये है कि बारिशें ज्यादा होती हैं और गर्मियों में बारिशें ज्यादा होती हैं, तो इसलिए जो है कई सारे इंसेक्ट के एग्जांपल दिए, जैसे एरिस वाइटल, ये स्पॉटेड वर्म जो है, कार्टन स्पॉटेड वर्म जो है, स्पॉटेड बॉलवर्म जो है, ये कहता है कि ज्यादा ह्यूमिडिटी पे सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा रेड पंपकिन बीटल जो है अपने अंडों को होल्ड करके रखती है उस वक्त तक के जहां तक के जब इसे मॉइस्ट सॉइल मिल गए, क्यों कि ये सिर्फ मॉइस्ट सॉइल के अंदर अंडे देती है, ड्राई सॉइल के अंदर अंडे नहीं देती, ठीक है। इसी तरह रेनफॉल जो है कई सारे इंसेक्ट की इमरजेंस का, ये आप देखें ना कि कई सारे इंसेक्ट आपको पूरे साल ही नजर नहीं आते, जैसे टर्माइट्स हैं, एंट्स हैं, इनकी आप जो रिप्रोडक्टिव फॉर्म है आपको पूरा साल नजर नहीं आती, मगर जैसे ही बारिश होती है, पहले ही स्प्रिंग की बारिश होती है तो आपको वो जो परों वाली टर्माइट्स भी नजर आना शुरू हो जाती हैं, एंट्स भी नजर होती हैं। तो ये एक्चुअली कई सारे इंसेक्ट की के लिए जो है वो के लिए उनकी इमरजेंस का बायस बनते हैं। तो इंसेक्ट जमीन से निकलते हैं, मेटिंग करते हैं, और मेटिंग करने के बाद अगेन जो है वो सॉइल में चले जाते हैं। तो ये एक टाइम होता है, और वो टाइम उनको कौन देते हैं, रेन देती है, मॉइस्चर देता है, कि अगर रेन ना हो तो डेफिनेटली उनकी वो जो अडल्ट फार्म है वो जमीन से बाहर निकल ही नहीं सकेंगी। जब निकल नहीं सकेंगी तो उनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। तो जब रिप्रोडक्शन रेट को बेहतर बनाने के लिए क्या है कि रेन जरूरी है, तो रेन का भी इंसेक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर इसी तरीके से ये
फैक्ट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो क्विकली आप जल्दी से पूछ लीजिए।